देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेकर करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर है। मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले, विचार के साथ जुड़े और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। कहा कि मुखर्जी आजाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम सब जानते हैं देश के आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। नड्डा ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और कहा कि वे सभी उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं।